नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान न्यूज के कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा क्योंकि बहन मायावती जी की मां का निधन हो गया। 95 वर्ष की थी वयोवृद्ध महिला रामरती जी का इलाज के दौरान निधन हुआ और संभवतः आज मुखाग्नि दी जाएगी, परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जो आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में बहुत तरह के खेल हो रहे हैं, सभी पार्टियां ताल ठोक रही है। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी में आजाद भारत पार्टी का विलय हुआ और उनके जो मुखिया थे उनको अच्छी खासी जिम्मेदारी दी गई, परंतु जो लोग इससे जुड़े हुए हैं राजनीति से, सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल होना शुरू हो गया कि आजाद समाज पार्टी का 26 नवंबर का विलय हो जाएगा और चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया है। लेकिन यह सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर थी, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि किसी भी पार्टी से नहीं हुई, न बहुजन समाज पार्टी से न आजाद समाज पार्टी से। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा झूठ क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि अब चुनावी मौसम आ गया है, बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं, कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं, और झूठ तो तब दिखता है जब घुटनों के नीचे किसी खास बिंदु पर 5-7 अपराधी को एक ही जगह है, जब उत्तर प्रदेश पुलिस गोली मारती है, इनकाउंटर करती है, तो यह समझ में नहीं आता कि दरोगा जी, ओलंपिक के जो तीरंदाज होते हैं, जो निशानेबाज होते हैं, उनका नंबर काट रहे हैं अथवा यह झूठ है। क्योंकि प्रश्न तो उठता है और आप जवाब दे सकते हैं, क्या इनकाउंटर में भागने वाला अपराधी खड़े होकर गोली मरवाएगा और एक ही जगह एक ही पॉइंट पर गोली लगेगी, यह झूठा। इससे पहले कई झूठ देखे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल कलकत्ता का जो मां फ्लाई ओवर है उसको योगी सरकार ने अपनी उपलब्धि में फोटो खिंचवाकर दिखा दिया था। ऐसे आपको पता है, लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूं, आजमगढ़ का अगला नाम क्या होगा, 2-4-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आजमगढ़ का एक नया नाम बदलने वाला है, उसको आर्यमगढ़ रखा जाएगा। ऐसे कल भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर और कमलापति स्टेशन रख दिया गया। कहने का मतलब यह है, भले ही विकास ना हो लेकिन अच्छा अच्छा नाम तो रख ही सकते हैं। कहते हैं ना, आंख का अंधा नाम का नयन सुख, यही है योगी सरकार की उपलब्धि। जहां जहां मतलब विकास नहीं कर पाए उसका नाम बदल दिया। अगर आपको सर्दी को गर्मी कह दिया जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यही उपलब्धि रही है। और रही बात ये, भाजपा नेता आधे अधूरे काम को शिलान्यास करके, उद्घाटन करके और दल के नेताओं को जोड़कर किसी तरह अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आजकल कुशीनगर में यानी पूर्वांचल में पूरा मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो सपा के मुखिया हैं, उनको लग रहा है कि भाजपा के बाद सपा का ही नंबर है। बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारे इलाके में किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, आप जहां के रहने वाले हैं, जिस जिला के, जिस प्रखंड के, आप अपना प्रखंड और जिला का नाम बताकर हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहां बसपा के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। हम आपके कमेंट को बहन मायावती जी तक भेज देंगे, पहुंचा देंगे, ताकि पूरी बसपा अलर्ट हो जाए। अब रही बात ये, बसपा जमीनी जनाधार बना रही है, लोगों के बीच जा रही है, भले ही स्टेज नहीं लगा रही होगी, लंबे लंबे भाषण नहीं दे रही होगी, लेकिन जो उनके मतदाता हैं, जो कैडर हैं, जो 23% जो वोटर हैं, वहां तक बसपा अपनी पहुंच बना रही है। बहन मायावती जी का एक रैली काफी होता है संदेश देने के लिए, और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बसपा अच्छा जनाधार तैयार कर रही है। अब तो बहुजन मीडिया से बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी भी मिलने लग गए, बिल्कुल बुला बुला के, खोज खोज के मिलते हैं। इसलिए आप अपने आप को कोई छोटा पत्रकार, कोई बड़ा पत्रकार ना समझें, क्योंकि बसपा के लिए बहुजन समाज में हर काम करने वाले की अब कदर हो रही है, बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। रही बात ये 2022,
में ये जो चुनाव है ये मुद्दों का चुनाव है, गरीबी अमीरी का चुनाव है। बाकी पार्टियों के लिए जो भी मुद्दे हों ये राजनीति है, एक दूसरे का छींटा कसी करेंगे। परंतु बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, सबका कहना यह है कि हम लड़ाई लड़ेंगे महंगाई पर, क्योंकि आम जनता को रोजी रोटी चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, और लड़ाई हमारी इसी की है। हम जो है हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, हम ध्रुवीकरण नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका भला होना चाहिए, ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।